सो गाला कप सीजन वन का आज डे थ्री खत्म हो चुका है। सो ओवरऑल स्टैंडिंग्स पहले देख सकते हो, आईक्यू सोल टॉप पे अभी भी चल रहे हैं। आज उतना गेम बढ़िया नहीं किया बट फिर भी टॉप पे है। फिर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स टीम फॉरएवर ऊपर आ चुके हैं। टीएक्स है, ओरैंगुटैन आज क्या खेले है, टॉप 24 के आप वहां पे थे लगभग कल, लेकिन आज टॉप 5 में। फिर टीम तमिलास, एफएस और बिग ब्रदर, सो ये टीम्स आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। फिर सेकंड चार्ट हैदराबाद हाइड्रास हाइड्रा, फिर WSB टीम जीरो अलीबाबा रेडर्स, फिर मेडल ई स्पोर्ट्स विंड गॉड एंड गॉड सेंस। सो मेरे हिसाब से ये टॉप 16 टीम्स है जो अभी सेफ है। थर्ड चार्ट रैकनिंग रेवेनेंट एंटिटी 8-bit गॉड लाइक U4G, फिर रेड जोन ई स्पोर्ट्स इन्फर्नो स्क्वाड। ये रही अभी टॉप 24 टीम्स, लेकिन अभी भी एक दिन बचा हुआ है जो कि नेक्स्ट वीक मंडे को होगा, क्योंकि कल से तो BGIS चालू होने वाला है। एंड उसके बाद लास्ट चार्ट जो कि अभी टॉप 24 के बाहर है, कार्निवल ऑटोबॉट साइक गुजरात टाइगर मेगा स्टार गेमिंग ब्लाइंड फ्रीक्वेंसी ई स्पोर्ट्स एंड टीम आरू। सो ये लोगों को कमबैक करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर टॉप 24 के बाहर रहेंगे, एक दिन बचा हुआ है, तो हर एक टीम को मिलेगा मौका। सो क्या लगता है कौन सी टीम कमबैक कर सकती है, कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, कमेंट में बताना। और एक और न्यूज़ है जो कि देख सकते हो इस फोटो में, यहाँ पे एक वीडियो आने वाला है जिसमें बहुत सारे क्रिएटर्स रहेंगे गेमिंग इंडस्ट्री से, जैसे थक भाई, मॉर्टल, पायल गेमिंग, फिर मिथ पैट और भी बहुत सारे लोग हैं देख सकते हो। सो वो लोग मिले हैं मोदी जी से, मतलब कुछ यहाँ पे इंटरव्यू टाइप कुछ यहाँ पे सेशन हुआ है जहाँ पे बातचीत किए होंगे, कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस होगा गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में स्पेशली, और मोदी जी गेम भी खेलेंगे। सो ये वीडियो जल्दी हम लोग को देखने को मिलेगा, और ये एक बहुत ही बड़ा बात है स्पेशली गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री को भी अब यहाँ पे वैसा नाम मिल रहा है इंडिया में, सबको मौका मिल रहा है। सो आप लोग को इस चीज़ पे क्या कहना है कमेंट में बताना, और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।